आज दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के वित्त मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी ने वर्ष 2018-19 का बजट रखा। ये बहुत ही अच्छा बजट है, इसके लिए मैं मनीष जी को बधाई देता हूँ दिल्ली के लोगों की तरफ से। इस बजट में समाज के हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति का ख्याल रखा गया है, हर समाज के तबके का की जरूरतों का ख्याल रखा गया है। इसमें गरीबों के लिए खास तौर से बहुत कुछ है, महिलाओं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, मिडिल क्लास के लिए, व्यापारियों के लिए, पर्यावरण के लिए, सबके लिए इस बजट में ख्याल रखा गया है। अपनी तरह का ये देश में पहला ग्रीन बजट है, क्योंकि दिल्ली में पर्यावरण एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, तो ये एक तरह से इसमें एम्फेसिस पर्यावरण को ज्यादा दिया गया है, अपनी तरह का पहला ग्रीन बजट है। शिक्षा और स्वास्थ्य जो इस सरकार की हमेशा से प्रायोरिटीज रही हैं, शुरू से उनके ऊपर एम्फेसिस बरकरार है, उनके ऊपर एम्फेसिस जारी रहेगा। बिजली के क्षेत्र में ये लगातार चौथा साल होगा जब बिजली के रेट लोगों को आधी रेट पे बिजली मिलेगी। पूरे देश में आज लगभग सबसे सस्ती बिजली दिल्ली के अंदर मिल रही है, दिल्ली के लोगों को उस तरह से सस्ती बिजली मिलती रहेगी। लेकिन इस बजट में इस बार रोड्स, वाटर एंड सीवर, इन तीन सेक्टर्स में ज्यादा एम्फेसिस है। सेक्टर वाइज मैं आऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं मनीष जी को बधाई देना चाहता हूं कि जब उन्होंने टेक ओवर किया था एज फाइनेंस मिनिस्टर दिल्ली के, तो दिल्ली का बजट 30,000 करोड़ था। हमारी सरकार बनने के पहले 2011-12 से लेके 2014-15 तक, 2011-12 में 26,000 करोड़ था और 14-15 में 30,000 करोड़, तो 4,000 करोड़ केवल बजट बढ़ा हमारे से पहले कांग्रेस के 3 साल की सरकार में। 3 साल में केवल 4,000 करोड़ बजट बढ़ा, हमारे पिछले 3 साल में 23,000 करोड़ बजट बढ़ा, 30,000 करोड़ से 53,000 करोड़ हो गया, लगभग दुगने से थोड़ा सा कम बचा है। ये एक ईमानदार सरकार का ये नतीजा है कि हमने रेड राज दिल्ली में बंद किया, टैक्स रिफॉर्म्स किए, अपने व्यापारियों पे भरोसा किया, और चूंकि हम लोग ईमानदार हैं, पैसे नहीं लेते। पहले टैक्स कलेक्शन में इतनी ज्यादा लीकेजेस थी कि वो 26,000 करोड़ से 30,000 करोड़ ही बना पाए 3 साल में, और हमारा 30,000 करोड़ से 53,000 करोड़ पहुंच गया। ग्रीन बजट का जहां तक सवाल है, उसमें 26 स्पेसिफिक एक्शनेबल पॉइंट्स हैं, हवा में नहीं है। उसमें से 2-3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। एक तो ये कि राउंड द ईयर स्टडी करवाई जाएगी कि भाई हम समझ सकते हैं अप्रैल के महीने में दिल्ली में पोल्यूशन बिल्कुल अलग कारणों से हो सकता है, सितंबर के महीने में बिल्कुल अलग कारणों से हो सकता है, नवंबर के महीने में पराली जलाने से होता है, तो अलग अलग समय पे अलग अलग कारण होते हैं। अगर किसी एक 15 दिन में, मान लीजिए जुलाई के 15 दिन में एक स्टडी करा ली जाए,
तो वो स्टडी के डेटा के बेसिस पे आप नवंबर में एक्शन नहीं ले सकते। तो वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप करके राउंड द ईयर स्टडी करवाई जा रही है और उसके बाद ऐसे इक्विपमेंट्स लाए जाएंगे जिससे कि रियल टाइम बेसिस पे हमें पता चल सके कि आज अभी इस वक्त दिल्ली में पोल्यूशन किस वजह से किस सोर्स से है, ताकि उस टाइम उस सोर्स को अटैक किया जा सके अगर पोल्यूशन बढ़ जाता है। दूसरा, बहुत बड़े स्तर पे जनता को इन्वॉल्व करके, RWAs को इन्वॉल्व करके, मार्केट एसोसिएशंस को, स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करके ट्री प्लांटेशन ड्राइव शुरू की जाएगी। तीसरा, डेटा जो पोल्यूशन का है उसको जगह जगह डिस्प्ले कराया जाएगा ताकि जनता के बीच में एक अवेयरनेस आ सके, जहां भी जाए देख सके कि पोल्यूशन ज्यादा है, मुझे कुछ करना है, तो उसके अंदर एक चेतना जागती है कि मुझे कुछ करना है। और बसेस के ऊपर बहुत 1000 क्लस्टर बसेस, 1000 DTC की बसेस, 1000 ई बसेस, इससे आने से पोल्यूशन में जो ट्रांसपोर्ट की वजह से पोल्यूशन है, और 905 बसेस DMRC की फीडर बसेस, तो लगभग 3900 बसेस आने वाले साल डेढ़ साल के अंदर दिल्ली की सड़कों पे होगी। इससे काफी मदद मिलेगी। मैंने 3 सेक्टर्स का जिक्र किया, रोड्स के ऊपर बहुत ज्यादा इस पर एम्फेसिस है। एक तरफ जहां PWD की सड़कों को रिपेयर कराया जाएगा, हर साल कराया जाता, इस साल भी कराया जाएगा, लेकिन पिछले साल मैं देख रहा था कि हालांकि PWD की सड़कों के रिपेयर का बजट काफी था, लेकिन फिर भी कई जगह सड़कें टूटी हुई मिल रही थी। तो एक मन में शक पैदा होता है कि बजट एक्चुअली खर्च भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, जा कहां रहा है। तो मैंने PWD वालों को बोला है कि सड़कों के रिपेयर के ऊपर जनता उस पे निगरानी रख सके ऐसा प्लान लिखा हो, तो PWD की सड़कों के रिपेयर के ऊपर सीधे जनता की निगरानी हो, एक ये किया जाएगा सड़कों पे। दूसरा, लगभग 500 किलोमीटर 100 फुट से ज्यादा चौड़ी जो सड़कें हैं, 500 किलोमीटर सड़कें हैं 100 फुट से चौड़ी, उन सारी सड़कों की सॉफ्टस्केपिंग, हार्डस्केपिंग, उनकी रीसर्फेसिंग जहां जहां जरूरत है, और उनकी स्ट्रीट लाइटिंग, तो उनको खूबसूरत भी बनाया जाएगा, उन पे पेड़ पौधे लगा के इस तरह से किया जाएगा ताकि वहां मिट्टी ना उड़ सके। और हमने PWD को क्वालिटी पैरामीटर दिया है कि जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो T3 पे, उसके पहले 1 किलोमीटर पहले आपको जिस तरह की दोनों तरफ सड़कें और लैंडस्केपिंग दिखाई देती है, उसी किस्म का हमें क्वालिटी का चाहिए। तो उसके लिए प्रावधान सड़कों के खूबसूरती के लिए और पॉल्यूशन कम करने के लिए किया गया है। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में हम देखते हैं, जब भी दिल्ली के विकास की बात होती है तो सेंट्रल दिल्ली, लुटियंस दिल्ली, सबकी नजर उधर ही जाती है, लेकिन आप रिंग रोड से 100 मीटर नीचे उतर जाओ आपको असली दिल्ली दिखाई देती है, जहां सड़कें टूटी पड़ी है, नालियां टूटी पड़ी हैं, गलियां है ही नहीं, बनी नहीं है कभी। इसलिए पिछले जब से हमारी सरकार आई है, तब से जब हमारी सरकार बनने के पहले 3 साल में टोटल 1500 करोड़ रुपया अनऑथराइज कॉलोनीज पे खर्च हुआ था, हमने पिछले 3 साल में 2500 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, और इस साल अकेले 1 साल में 1500 करोड़ रुपया अनऑथराइज कॉलोनीज में नालियां और सड़कें और गलियां बनाने के लिए। तो विकास दिल्ली के कोने कोने में रहने वाले, अनऑथराइज कॉलोनी में सबसे गरीब लोग रहते हैं, दिल्ली के कोने कोने में घर घर तक सड़क बनाने का हमारा इरादा है, कोने कोने तक पहुंचेगा विकास। तो सड़कें, जैसे मैंने कहा, PWD की भी बनेगी, अनऑथराइज कॉलोनियों की भी बनेगी, मार्केट्स के अंदर जहां जहां सड़कें टूटी हैं और वहां मार्केट के लोग आके कहते हैं सड़कें टूटी हैं, तो मार्केट्स के डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़ रुपया अलग से रखा गया है। लेकिन बहुत सारी 60 फुट से नीचे की जो सड़कें हैं वो सारी MCD के पास हैं, और वहां पे बहुत, वो भी बहुत टूटी हुई हैं, कई सड़कें बनी नहीं है,
1000 करोड़ रुपया एमसीडी की सड़कों के रिपेयर के लिए रखा गया है, लेकिन वो बशर्ते एमसीडी हमें एनओसी देगा ताकि हम उनको बना सकें। तो हर किस्म की सड़क दिल्ली में, चाहे हमारी हो चाहे हमारी ना हो, सड़कों के रिपेयर इस बार एक बहुत बड़ा मेजर थ्रस्ट एरिया दिल्ली के लिए रहेगा। वाटर के क्षेत्र में दिल्ली में 900 एमजीडी पानी आता है, दिल्ली में 2 करोड़ जनसंख्या है, 900 एमजीडी को 2 करोड़ से आप डिवाइड करो, लगभग 200 लीटर पर कैपिटा पर डे पानी निकलता है। तो ऐसा लगता है कि पानी की कमी तो नहीं है, मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि पिछले 70 साल में दिल्ली में हम लोगों ने मीटर ही नहीं लगाए, कितना पानी दिल्ली में आता है, कितना कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो इस बात से होता है कि कितनी चूड़ी घुमा दी। उनसे हमने पूछा भाई कैसे पता चला, भाई मैरोली में कहते हैं ना, मैरोली में जी इतना पानी दिया, द्वारका में इतना दिया, कैसे पता, इतनी चूड़ी घुमा दी। तो चूड़ी घुमाने से पता चलता है, ये तो इंजीनियरिंग नहीं है, इस तरह से तो इंजीनियरिंग नहीं चलती, हमें किसवीं सदी के अंदर रह रहे हैं। तो हमने ये तय किया है कि दिल्ली में जगह जगह लार्ज स्केल पे लगभग 2600 से 3000 के बीच में बल्क वाटर मीटर लगाए जाएंगे। सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के इनपुट आउटपुट के ऊपर बल्क वाटर मीटर लगेंगे, लगे हुए हैं, कुछ काम नहीं कर रहे, उनको ठीक किया जाएगा। प्राइमरी रिजर्वॉयर्स पे बहुत जगह मीटर नहीं है, प्राइमरी रिजर्वॉयर्स पे सब जगह मीटर लगाए जाएंगे, सेकेंडरी रिजर्वॉयर्स पे सब जगह मीटर लगाए जाएंगे, जितने यूजीआर हैं हर जगह मीटर लगाए जाएंगे, और टैपिंग्स हैं लगभग 2500 टैपिंग्स हैं दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइंस में, उसके ऊपर मीटर लगाए जाएंगे। कम से कम आपको ये पता रहेगा आज मेरी कॉलोनी में, मेरे क्षेत्र में इतना पानी दिल्ली जल बोर्ड ने दिया। 4 दिन बाद अगर दिल्ली जल बोर्ड आपका पानी कम करता है तो आप कह सकते हो, ये तो आपको पता ही नहीं कितना पानी दिया, कितना कम कर दिया, कितना, मतलब इट्स कंप्लीट लेस इज फेयर राइट नाउ। तो ये काम दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, तो एक ट्रांसपेरेंसी आएगी पूरे सिस्टम के अंदर, और डेली बेसिस पे वाटर की ऑडिटिंग होगी कि पानी जा कहां रहा है, पानी आया कितना और पानी जा कहां रहा है। दूसरा कि पानी की पाइपलाइन का नेटवर्क बहुत बड़े स्तर पे पिछले 3 साल में हम लोगों ने लगाया है, जिसकी वजह से घर घर में पानी पहुंचने लगा। बहुत सारे ऐसे एरियाज है, संगम विहार है, बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहां बमाना है, जहां पे पहले पानी आता ही नहीं था, पानी की पाइपलाइंस नहीं थी। हमने पानी का पाइपलाइन का नेटवर्क ऑलमोस्ट 417 कॉलोनियों में पिछले 3 साल में पहुंचा है। 15 साल में इतनी कॉलोनियों में पानी की पाइपलाइन नहीं पहुंची जितने 3 साल में पहुंची है। अब पानी पे थोड़ा स्ट्रेस होने लगा है, क्योंकि पानी तो उतना ही था, अब 417 नई कॉलोनियों में पानी की पाइपलाइन बिछा दी, तो उसी पानी में से भेजना था। हालांकि टैंकर माफिया था, उसको खत्म करके पानी पाइपलाइन में आया है, लेकिन उसके ऊपर स्ट्रेस है। तो पानी की ऑडिटिंग बहुत जरूरी है जो इसके थ्रू होगी, और जितनी भी बची हुई कॉलोनीज हैं दिल्ली में जहां पानी की पाइपलाइंस नहीं बिछी हुई, उनमें पानी की पाइपलाइंस बिछाई जाएगी। सीवर को लेके एक कंप्लीट पैराडाइम शिफ्ट इस बार बजट में है, हमारी पूरी अप्रोच में है। अभी तक दिल्ली में बड़े बड़े सीवर प्लांट लगाए जा रहे थे, बहुत बड़े बड़े, उसमें दूर दूर से सीवर पंप किया जाता था, बहुत बड़ी बड़ी सीवर की लाइनें डाली जाती थी, सीवेज पंपिंग स्टेशन लगाए जाते थे, और सीवर को कई कई 100 किलोमीटर, कई कई किलोमीटर से दूर से पंप करके प्लांट में लाते थे, प्लांट में उसको साफ करते थे। और आप लोगों को जान के ताज्जुब होगा कि जो साफ पानी है, उस पानी के इस्तेमाल का डिजाइन में ही कोई प्रावधान नहीं था, प्लानिंग में ही कोई प्रावधान नहीं था, भाई यहां से 30 MGD पानी साफ होके निकलेगा, इसका क्या करना है, डिजाइन में ही नहीं है, प्लानिंग में ही नहीं था अभी तक। तो जैसा इन्होंने बताया 480 MGD, 450 MGD पानी सीवेज के साफ होने से, आज दिल्ली में लगभग 34 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, इनमें रोज 450 MGD पानी साफ होके निकलता है। ये 450 MGD में से 80 MGD पानी, 89 MGD पानी इधर उधर हॉर्टिकल्चर में इस्तेमाल हो जाता है, और बाकी लगभग 370
360 एमजीडी पानी रोज यमुना में बहा देते हैं। ये हमारी अभी तक सीवेज की प्लानिंग थी दिल्ली के अंदर, इसको पूरे को हमने शिफ्ट किया कि अब कोई दिल्ली में बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनेगा अनलेस उस एरिया, हम हर जगह छोटे 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 प्लांट लगा रहे हैं। तो मान लीजिए 1000 कॉलोनी 1000 घरों की एक कॉलोनी है, वहां छोटा सा एक प्लांट लगा दिया, वहां से जितना सीवर आया उसको हम ट्रीट करेंगे और उससे जो पानी निकलेगा वहीं आसपास या तो हॉर्टिकल्चर के लिए या अगर दूसरी लाइन लग सके लोगों को टॉयलेट के लिए, वहां पे वो पानी खराब नहीं किया जाएगा, वेस्ट नहीं किया जाएगा, वो एक एक बूंद पानी जो ट्रीट होके उसमें से निकलेगा उसके 3-4 वाटर बॉडी अगर आसपास है तो वाटर बॉडी में डाल दिया जाएगा, नहीं तो हॉर्टिकल्चर के लिए यूज होगा, नहीं तो घरों को टॉयलेट के यूज के लिए दे दिया जाएगा। तो इस तरह के बहुत बड़े स्तर के ऊपर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट छोटे छोटे पूरे दिल्ली के अंदर लगाए जाएंगे। आज मनीष जी ने आपको कुछ क्षेत्रों के बताए जिसमें नरेला, छतरपुर, बुराड़ी, इनकी तो प्लानिंग हो चुकी है, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर ऑल्सो हम बहुत बड़े स्तर के ऊपर छोटे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की प्लानिंग करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके अलावा 2-3 बातें जो मैं कहना चाहता हूँ कि इस वक्त सबसे बड़ी समस्या युवकों के सामने बेरोजगारी की है, रोजगार नहीं है लोगों के पास, बच्चों के पास रोजगार नहीं है, जो रोजगार थे वो भी खत्म होते जा रहे हैं। हमने जब जैसी हमारी सरकार बनी थी 2014 में, पहले 49 दिन वाली सरकार, उस टाइम में एक एक्सपेरिमेंट शुरू करके गए थे और जब दोबारा सरकार बनी उसको कम्प्लीट किया, विवेक विहार में हम लोगों ने वर्ल्ड स्किल सेंटर बनाया एक सिंगापुर सरकार के साथ मिलकर, उसकी 1000 की कैपेसिटी है, 1000 बच्चे पढ़ते हैं उसमें, 1 साल का कोर्स है 12वीं के बाद, उसके नतीजे बहुत अच्छे आए, हर साल पिछले 3 साल से हर साल 100% बच्चों की प्लेसमेंट हो रही है, उसकी वो इस तरह के कोर्सेज सिखाते हैं और इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि हर, तो उसी किस्म के सिंगापुर सरकार के साथ मिलकर 25 नए स्किल सेंटर इस बार खोले जा रहे हैं, तो हर साल 25,000 युवकों को रोजगार मिल सकेगा। इस साल 25 खोल रहे हैं, मुझे उम्मीद है शायद अगस्त या सितंबर तक ये चालू हो जाएंगे, अगर ये सक्सेसफुल रहे तो अगली बार इसको 70 तक ले जाने की हमारी मंशा है, 70 टोटल स्किल सेंटर्स खोलने की मंशा है हम लोगों की। डीटीसी के कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूँ, बहुत दिन से इनका 7th पे कमीशन की डिमांड पेंडिंग पड़ी हुई थी और इसके पेंशन धारियों का डीए फ्रीज था, दोनों अलाउ किया गया है और बच्चियों को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग स्कूलों में दी जाएगी ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके जरूरत पड़े तो। मोटे मोटे तौर पे ये मैं कहना चाहता हूँ।